हे गाइस, हाउ आर यू। कुकिंग चैनल राजू आप जायका में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं मेथी मलाई पनीर। बड़ी इजी रेसिपी है। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हुए हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 कप कर्ड, दही हम खट्टे ही लेंगे, 1 टेबल स्पून ग्रीन कोरिएंडर, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मलाई या क्रीम आप ले सकते हैं, 200 ग्राम पनीर क्यूब्स हैं, 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। मेथी आप कोई भी ले सकते हैं। अगर फ्रेश वाली ग्रीन मेथी आप लेते हैं तो उसको थोड़ा बॉईल करके उसका पानी निचोड़ करके आप उसको यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के अंदर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फ्लेम लो कर दीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कसूरी मेथी भी डाल देते हैं, थोड़ा चला लेते हैं। सेकेंड के बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर ये हम डाल देंगे। फ्लेम को आप बंद कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मैं दही डाल दूंगी और बाकी के सारे मसाले, धनिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला और जो हमारे पास मलाई थी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम बचा कर रख लेते हैं क्योंकि हमने गार्निशिंग के लिए भी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डाल दीजिए। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाते रहेंगे। पनीर क्यूब्स इसके अंदर हम डाल देते हैं। मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। आप चाहें तो 1 चम्मच चीनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है। आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसके अंदर आया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप दही का यूज़ इसके अंदर करेंगे, जो मैंने दही ऐड करने के लिए बोली थी, तो दही को आप पहले फेंट लें, उससे सब्जी का टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। ये तैयार हो चुकी है तो हम जो हमारे पास हरा धनिया है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। सब्जी तैयार हो चुकी है। मलाई से गार्निश करके आप इसको चपाती, नान या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।